ऑलराइट गाइस, सो गॉडज़िला सिंगुलर पॉइंट की स्टोरी को और आगे बढ़ाते हैं और एपिसोड नंबर 7 को हम सब मिलकर साथ में देखते हैं और जानते हैं कि गॉडज़िला सिंगुलर पॉइंट की कहानी अब आगे किस और जा रही है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू इट। एपिसोड शुरू होता है कि गॉडज़िला एक्वेंटलिस टोक्यो की तरफ आगे बढ़ रहा है और अपने रास्ते में आने वाले मेंडा को चेस डाउन करता जा रहा है और एक को मार भी डालता है और शहर रेड डस्ट की चपेट में आ जाता है। यून और हैब्रू डिस्कस करते हैं कि एंग्यूरियस को अपनी मौत का पहले से ही नॉलेज था और हैब्रू कहता है कि शायद फ्यूचर का पहले से नॉलेज होना मीनिंगलेस होता है। जैसे हम लॉटरी टिकट खरीदते हैं और हमें पता होता है कि हम नहीं जीतने वाले, और यून सोचता है कि फ्यूचर देखने वाले मॉन्स्टर्स इमर्ज हो रहे हैं। ली और मैं लंदन की ओर निकल जाते हैं। मैं बताती है कि यूनिवर्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर लाइट एक यूनिवर्स से पास करती है तो वो लाइट दूसरे यूनिवर्स पर दुगनी तेजी से स्ट्राइक करती है। ये एक फ्रैक्शन ऑफ टाइम है और ली की इस बात से सहमत होती है। तभी अनाउंस होता है कि इनकी फ्लाइट डिले हो चुकी है और इन्हें टेम्पररी लैंडिंग मुलान में करनी होगी। वहीं दूसरी ओर बीबी और बिल्डर मिलर को बताया जाता है कि इनके कंटेनर की कैपेसिटी 24 घंटों के अंदर रीच हो जाएगी और शरंगा को रोकना पॉसिबल नहीं होगा। टिल्डा कहती है कि क्या वो कंटेनर के डोर्स को रिकंस्ट्रक्टेड कर सकते हैं, लेकिन बीबी यहां पर कहता है कि अगर ये क्रिएचर रेड डस्ट को अपनी पावर मानते हैं तो उन्हें उन्हीं की मेडिसिन से मजा चकाया जाए और वो दी ऑर्थोगोनल डायगोनलाइजर यूज करने की परमिशन मांगता है। अब टोक्यो शहर का आसमान पूरी तरीके से लाल हो चुका है और चारों तरफ रोडेंट्स उड़ रहे हैं। इतनी ज्यादा मात्रा में ये रेड डस्ट गॉडज़िला एक्वेंटलिस ने रिलीज की है क्योंकि गॉडज़िला एक्वेंटलिस अब यहाँ पर म्यूटेट हो रहा है। मैं ये न्यूज देखती है और वो पेंटिंग के क्रिएचर कोशीरा को देखती है और याद करती है कि पेंटिंग में लिखा था कि जब आसमान लाल हो जाएगा तब मॉन्स्टर्स इमर्ज होंगे, और वो ली से रेड डस्ट के बारे में पूछती है। ली उसे बताती है कि रेड डस्ट आर्किटाइप का ही फेस वन है, और मैं समझ जाती है कि आर्किटाइप और रेड डस्ट सेम चीज है। अब रेड डस्ट वाले एरिया को मिलिट्री चारों तरफ से घेर लेती है और ये लोग फाइट के लिए प्रिपेयर हैं और रोडेंट्स पूरी दुनिया में फैलते ही जा रहे हैं। यहाँ ओटा की फैक्ट्री में गोरो सभी से कहता है कि उन्हें जेट जगुआर को रिपेयर करना पड़ेगा, और गोरो उन्हें बताता है कि उसने जेट जगुआर के लिए एक स्पेशल वेपन भी सोच रखा है जो वो लोग एंग्यूरियस के बोन्स से बनाएंगे ताकि जेट जगुआर भी इन बड़े बड़े मॉन्स्टर से और पावरफुल तरीके से लड़ सके। और यून और हैब्रू उस सॉन्ग की खोजबीन करने लगते हैं जो फर्स्ट टाइम प्ले हुआ था जिससे मॉन्स्टर्स अट्रैक्ट हुए, जिसमें इन्हें पता चलता है कि ये सॉन्ग ओरिजिनली 60 साल पहले रिकॉर्ड हुआ था और इसका कुछ ना कुछ कनेक्शन तो है इन मॉन्स्टर्स के साथ में। वहीं दूसरी ओर साटो बेसमेंट में चला जाता है अपनी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, और वो वहां पर देखता है कि इस स्केलेटन की बोन्स अब रेड डस्ट रिलीज करने लगी है, और वो वहां पर पाता है कि कुछ स्ट्रेंज केबल्स इस स्केलेटन से जुड़ी हुई है, जिससे वो समझ जाता है कि ये सिग्नल इस स्केलेटन की बोन से ही आ रहे हैं। उसी टाइम पर रोडन की एक डाल साटो देखता है और उस पर पीछे से हमला हो जाता है। ये हमला उस पर न्यूज रिपोर्टर के करता है। ली मे को बताती है कि आर्किटाइप के 13 फेस हैं और उन्हें सिर्फ 3 फेस के बारे में पता है, और वो उसे बताती है कि आशिहारा जेलीफिश की एटोनॉमिक की स्टडी कर रहा था कि जेलीफिश रेड डस्ट को ऑब्जर्व कर रही थी और उनकी बॉडी में परिवर्तन हो रहे थे, और वो मे को ये भी बताती है कि आर्किटाइप के 13वें फेस का नाम है ऑर्थोगोनल डायगोनाइजर। वहीं कंटेनमेंट के पास में स्नाइपर्स पहुंच चुके हैं और वो शरंगा के ऊपर फायरिंग कर रहे हैं, और शरंगा उनकी बुलेट्स को डिफ्लेक्ट करते हुए बाहर आने की कोशिश कर रहा है। तभी उसी टाइम पर वहां पर बीबी पहुंच जाता है और वो अपने सूटकेस में से ऑर्थोगोनल डायगोनाइजर कंटेनमेंट के अंदर फेंक देता है, और इस वीपन के कारण रेड डस्ट सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है और नुकीली स्पाइक में बदलकर शरंगा की बॉडी के अंदर घुस जाती है, जिससे शरंगा रुक जाता है और ये रेड डस्ट धीरे से वैनिश हो जाती है, और ये कंटेनमेंट का दरवाजा बंद करने लगते हैं और शरंगा अपनी धुंधली आंखों से बीबी को देखता रह जाता है।
साटो युकी को बताता है कि उसने फाइंड आउट किया है कि बोन्स के साथ में एक अलार्म जुड़ा हुआ था और वहीं से सिग्नल भेजे जा रहे थे जिससे रोडेंट्स यहां पर पहुंचे। और अगर ऐसी बोन्स है जिन्हें फ्यूचर के बारे में पता हो तो ऐसे लोग भी होंगे जो इन्हें पाना चाहते हों। और साटो बताता है कि आशिहारा ने ये जानने के बाद में बाकी सभी चीज को लंदन में छुपा दिया था जो कि अननोन है। और युकी बताती है कि ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में एक प्लांट बिल्ड कर रही है जो शायद किसी तरीके का हेल का पोर्टल है जहाँ से रोडेंट्स निकले हैं, और ऐसा ही कोई पोर्टल जापान में भी होना चाहिए। यून ऑल में मैसेज में बात करते हैं। यून कहता है कि एंग्यूरियस फ्यूचर देख सकता था और मैं उसे ऑर्थोनल डायगोनलाइजर के बारे में बताती है और वो उसे ये भी बताती है कि इसकी रिसर्च इंडिया में चल रही है। और ये लोग डिस्कस करते हैं कि शायद आशिहारा के पास में सुपर कंप्यूटर था जिससे वो आर्किटाइप्स को कंट्रोल कर सकता था और सिंगुलर पॉइंट को एज अ कैलकुलेटर यूज करता था। और यून उसे जेट जगुआर को इनविंसिबल बनाने की फाइल भेजता है। वहीं गवर्नमेंट सी से निकले बड़े से क्रिएचर को ऑफिशियली गॉडज़िला नाम दे देते हैं। वहीं ओटाकी फैसिलिटी में जेट जगुआर के अपग्रेड्स कंप्लीट हो चुके हैं। यून ने इसमें एक एआई इंस्टॉल कर दिया है और यून उस एआई को बताता है कि उसका नाम अब से जेट जगुआर है। और ये जेट जगुआर को टेस्ट करते हैं और उसे उसका वेपन देते हैं जिसके साथ में जेट जगुआर और ज्यादा इंप्रेसिव हो जाता है। और गौरव कहता है कि अब समय आ गया है इन मॉन्स्टर को अपने लैंड से भगाने का। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। सो ऑलराइट गाइस, ये था एपिसोड नंबर 7 गॉडज़िला सिंगुलर पॉइंट का। और फाइनली गॉडज़िला शहर के अंदर आ चुका है और अब देखने में मजा आएगा कि गॉडज़िला शहर में आगे क्या तबाही मचाता है। तो आप ये सीरीज में ऐसे ही मेरे साथ में बने रहें एंड अपने विचारों को कमेंट्स में जरूर प्रकट करें। सो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर गाइस।